आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास के जरिए हमसे जुड़ते हैं, कुछ बिगनर्स होते हैं, कुछ एडवांस लेवल के लोग होते हैं। एडवांस लेवल के लोग जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो अपने प्लेइंग में बीच का पीस भरने का जो तरीका होता है वो सीखने के ख्याल से जुड़ते हैं। तो जब ऑनलाइन क्लास में आते हैं तो बहुत सारी जानकारी, चूँकि फेस टू फेस क्लास होता है और वीडियो कॉल पर क्लास होता है, इंडिविजुअल क्लास होता है, तो मैं बताते रहता हूँ लोगों को, सामने से समझाते रहता हूँ। उसी थीम को बेस करके ये वीडियो आप लोग को मैं भेज रहा हूँ कि बीच का पीस कैसे भरा जाए। इस म्यूजिक ट्यून को मैंने बेस किया है, इससे आप एग्जांपल समझ जाएंगे कि उसके क्या क्या ट्रिक हो सकते हैं और किस तरीका से आप प्रैक्टिस के जरिए अपने प्लेइंग को एक एडवांस लेवल का टच दे सकते हैं। तो इस वीडियो की खासियत यही है। ओके, ऑनलाइन क्लास की जानकारी बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, सीधा लिखेंगे ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप पे, तो आपको टोटल डिटेल मिल जाएंगे कि किस तरीका से आप इंडिविजुअली क्लास मेरे साथ कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। बहुत सिस्टमेटिक क्लास होता है, 1-to-1 क्लास होता है। बाकी का डिटेल आप मैसेज करने पे आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए अभी फिलहाल इस चीज़ को देखते हैं किस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। पहले तो जिस ट्यून को बेस किया है इस ट्यून को एक बार समझ लीजिए बेसिक रूप से, फिर उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तरीका जानेंगे। जो ट्यून मैं बजा रहा हूँ गज़ल का ट्यून है, हम तेरे शहर में आए हैं, ये गज़ल का ट्यून लिया गया है। और जो स्केल इसका है वो सी शार्प स्केल, यहाँ से मैं बजा रहा था। गज़ल जो बेस है वो राग शिवरंजनी के ऊपर है, लेकिन बाकी नोट भी इसमें लगाए गए हैं। तो शिवरंजनी का मेन नोट देख लीजिए, इसको सा माना गया है। सा रे ग प ध सा न प ग रे सा, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, ये ट्यून, ये उसका मेन नोट है। उसके अलावे बाकी बहुत सारे स्वरों का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें मौ का प्रयोग है, जिसमें शुद्ध ग का प्रयोग है, जिसमें नी का प्रयोग है। ओके, नीचे भी और ऊपर भी। बेस कॉर्ड जो इसका बनता है ये सागा पा, शिवरंजनी का कॉर्ड भी लोग पूछते रहते हैं तो वो भी बहुत क्लियर होगा। तो सागा पा कॉर्ड इसके बनता है। अब है क्या कि इस ट्यून को पहले सिंपली देखिए, बिगनर से स्टाइल में, बिना कोई गैपिंग, बिना कोई कॉर्डिंग, पहले उसको बजाना सीखिए। पहले उसको बजा लीजिए 2-4 बार, जैसे देखते हैं क्या बनता है इसके स्वर। यहां से शुरू हो रहा है, ये है सा रे ग प, नीचे का प नोट है, ये ग है, प ग ग प ग ग ग म रे प रे रे प रे 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 ग सा प, यहां से फिर से प सा प ध म प म ग रे ग रे सा, ये बेसिक नोट है इसका, बेसिक ट्यून है। अब इसका थोड़ा ऊंचा लेवल करते हैं, तो टोटल फिंगर से अगर बजाते हैं तो कैसे होगा,
एक तो ये लेवल हो गया थोड़ा ऊंचा कि बीच में अलग नोट का कर्ण ले रहे थे, अब इससे ऊंचा चले तो कॉर्ड लेके, जहां अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि गैपिंग क्या होता है। जैसे गैपिंग का मतलब है ये कंटिन्यू जहां चल रहा है, जहां टाइम नहीं दे रहा है किसी स्वर पे, तो वहां आपको अलग से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो जैसे ये कंटिन्यू जब चलेगा वहाँ आपको कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ कंटिन्यू आप बजाते रहें। जहाँ जिस नोट में हम रुक जाएँ, जहाँ जिस नोट में ज़्यादा वक्त देना है, ज़्यादा मात्रा लगना है, ये बेसिक फंडा है गैपिंग भरने का। जिस मात्रा पे ज़्यादा देर हम टाइम दे रहे हैं, उस टाइम को खूबसूरत बनाने के लिए अदर नोट का यूज करना, तो ये मेन बात है। कॉर्ड जो लगाए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं मेन रूप से इसी फार्मूला पे लगते हैं कि जिस नोट पे आप ज़्यादा वक्त दे रहे हैं वहाँ का कॉर्ड लगा के आप उस गैपिंग को भरा भरा सा बनाते हैं। जैसे अभी इसी ट्यून को हम कॉर्ड लगा के बजाएंगे, कैसे होगा? अब यहाँ पे जैसे रे पे रुके, तो रे के लिए कॉर्ड शिवरंजनी में ये यूज होता है, नीचे का नी है, रे है और यहाँ का मौ है। एक स्टाइल और जैसे हम लोग बजाते हैं, तो ये मैंने बेसिक कॉर्ड बताया था सा ग प। अब चूंकि ट्यून शुरू हो रहा है इस पॉ से, नीचे के पॉ से, तो यही कॉर्ड हम अगर रखते हैं, इस पॉ को यहाँ छोड़ के इस पॉ का यूज करते हैं और तब कॉर्ड ये ट्यून बजाते हैं, ऑटोमेटिकली शुरू से ये भरा भरा लगेगा। अब ये देखिए, ये भी एक कॉर्ड, ये नी रे मौ का कॉर्ड मैंने बताया था, ये भी एक कॉर्ड है। अब यहाँ से इसका यूज कर लिया हमने, क्योंकि नोट पॉज से आ रहा है, रे में आ रहा है, तो ऐसे यहाँ का कॉर्ड फिर ले लिया, बेसिक कॉर्ड। फिर से देखिए, ऑलरेडी एक कॉर्ड हम लिए हुए हैं, दोनों को छोड़ देंगे और यहां से शुरू करेंगे। यहां से स्टार्ट किए थे, ये कॉर्ड भी पकड़ सकते हैं, यहां दूर नहीं जाएंगे तो इसको भी ले सकते हैं, इसके जगह पे ये पॉ नोट हो गया, ये भी ले सकते हैं। एक तो ये लेवल हो गया, इस लेवल से भी ऊंचा चलिए। अब क्या है, जो कॉर्ड बजाए हैं उस कॉर्ड में लीडिंग बजाते रहना है उतना देर टाइमिंग से। लास्ट में बताऊंगा कि फाइनली अपना एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कॉर्ड में बजाए तो उस कॉर्ड को स्थिर अभी मैंने रख के बजाया, अभी स्थिर नहीं रखना है, ताल के रोटेशन में लीडिंग उस कॉर्ड के साथ बजाएंगे, वो एक स्पेशल इफेक्ट देगा। जैसे स्टाइल कि हम कॉर्ड नहीं लेंगे, कॉर्ड जितना टाइम में लेते हैं थोड़ा बहुत कॉर्ड लिया जा सकता है, लेकिन अदर लीडिंग पीस बजाएंगे, वो पीस का दायरा ये होगा। जैसे मैं बजा के दिखाता हूं, बता देता हूं शुरुआती प्रैक्टिस के लिए मैं कौन सा नोट बजाया, लेकिन ये टाइमिंग मेन क्या है कि ताल के अंदर जितना देर टाइम आपके पास बच रहा है उतना ही देर के अंदर पीस आपको बजाना है। पीस का कोई लिमिटेशन नहीं है, अच्छा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, टचिंग लगना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बदल बदल के आप बजा सकते हैं, जैसे मैं दोबारा सुना रहा हूं।
टाइम था ये बजाया, जरूरी नहीं कि यही बजाएंगे, दूसरा चीज बजा सकता है। उतना ही देर का टाइम है तो उतना ही देर का पीस मैं बजा रहा हूँ। ये जो जगह है, ये जगह ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, जिस जगह पे नोट स्थिर हो रहा है वहाँ या तो कॉर्ड लिया जाता है भरने के लिए, या फिर क्या किया जाता है, छोटा सा लीडिंग पार्ट बजाया जाता है। वो लीडिंग पार्ट उसी स्केल नोट का हो, थोड़ा बहुत अदर नोट भी आप ले सकते हैं। मेन चीज़ है कि वो टाइम उतना ही है, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना, क्योंकि फिर वहाँ से गीत स्टार्ट होगा। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपका आ जाएगा। फिलहाल अभी जो मैं बजाया हूँ ये है, तो शुरुआत में लिया, बहुत से शुरू किया, तीव्र मौ ले लिया, पामानी पामागरे पहले ये लिया, सेकंड लिया, पगनी पगरे सा ये लिया, ये ध्यान और रखिएगा कि जो लीडिंग हम बजा रहे हैं बीच का पीस, तो जहाँ पे ट्यून मेरा एंड हुआ था ना वहीं लागे ख़त्म करते हैं, तो वो टचिंग रहता है, वो एकदम लगता है कि ओरिजिनल में बज रहा है। जैसे यहाँ पे ये ख़त्म हुआ था तो बीच का पीस भी आके यहीं ख़त्म कर रहा है। सेकेंड नोट कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से चले गए दो, यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहीं ख़त्म कर रहा है, घूम घाम के वहीं पे आ गए, जगह पकड़ ली। तो इस हिसाब का छोटा सा टिप्स है जिसका यूज करेंगे और करते करते आ जाता है। प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।